दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाना चाहूंगा। ये देखिए हमारे पास है रियलमी C35 मोबाइल और आपके सामने लाइव प्रूफ ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा के दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पे आपको करना क्या होगा, मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। मोबाइल की सेटिंग ओपन होने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर फेस फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपके मोबाइल का स्क्रीन लॉक है वो दोस्तों आप डाल दीजिए। उसके बाद फिंगरप्रिंट पे आप क्लिक करिए। अब यहां पर आपको एक फिंगरप्रिंट ऐड कर लेना है। अगर आपने ऐड करके रखा है तो अच्छी बात है, अगर आपने ऐड नहीं किया है तो ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके पहले आप जो है फिंगर ऐड कर लीजिए अपने मोबाइल में। उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब यहां पर आपको दोस्तों करना क्या होगा, एक दोस्तों छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बिना एप्लीकेशन डाउनलोड किए आप इस मोबाइल में जो है ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक नहीं लगा सकते हो। तो आप कैसे लगाओगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो पहले ऐप कैसे यूज किया जाएगा ये आप समझ लीजिए, उसके बाद ऐप का डाउनलोड करने का तरीका मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो ये रही ऐप, इस ऐप पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक पिन बनाना होगा, तो जो भी आप रखना चाहते हैं वो दोस्तों डाल के सही के ऑप्शन पे क्लिक करिए। दोबारा से रीएंटर आपको करना है। रीएंटर करने के बाद सही के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर दोस्तों देखिए फिंगरप्रिंट का नोटिफिकेशन शो हो रहा है। अब यहां पर आपको करना क्या है, यस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों जिस ऐप में आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है वो ऐप यहां से दोस्तों आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं एग्जांपल के लिए यहां पर दोस्तों फेसबुक में फिंगरप्रिंट लॉक लगा के दिखाऊंगा। तो ये रहा फेसबुक, उसके सामने टिक है, टिक को इनेबल करेंगे। इसी प्रकार से जितनी भी ऐपों में आप फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं उसके सामने टिक होगा, टिक को आप इनेबल कर दीजिए। प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करिए, ओके के ऑप्शन पर क्लिक करिए। उसके बाद यहां पर आपको करना क्या है, ऐप लॉक दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है, स्टिक को ऑन करना है और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर से इस पर दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है ऐप लॉक के ऑप्शन पे। उसके बाद स्टिक को आपको इनेबल करना है और यहां से ओके कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए। बस आपके ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है। चलिए मैं आपको बैक करके दिखा देता हूं। बैक किया, बैक करने के बाद फेसबुक में लगाया था, फेसबुक पर मैंने क्लिक किया। अब यहां पर देखिए फिंगरप्रिंट लॉक मांग रहा है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो। और जैसे ही फिंगर में लगाऊंगा तुरंत दोस्तों फेसबुक ओपन हो चुका है। तो इस प्रकार से किसी भी ऐप में आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। चलिए मैं अब आपको ऐप का डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूं। तो प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद यहां पर सर्च पे आपको लिखना है ऐप लॉक फिंगरप्रिंट, ये वाली ऐप आ जाएगी। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसी से पूरा काम आपका हो जाएगा।